ज़ोरदार तालियों से एक बार स्वागत होना चाहिए। बेहद ख़ास मुद्दों पर चर्चा यहाँ पर आज होगी उत्तराखंड को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस मंच को ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आज सुबह से ही एक से एक गेस्ट आपने देखा। हमारे बीच में महामहिम गुरमीत सिंह जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप उत्तराखंड के गवर्नर हैं, लेकिन उसके अलावा इतनी सारी खूबियां हैं आप में कि मैं आपको क्या क्या बताऊं। लेकिन सर सबसे पहले हम लोग जो है, जो सबसे कमाल का काम हुआ है वो सिलक्यारा टनल से जिस तरीके से जो है इतने सारे 41 लोगों को बचा के आप लोग ले आए और एक एक मिनट की जानकारी आप लोगों के पास थी और किस तरीके से क्या क्या आप लोगों ने किया। मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लें, फिर आपको आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सर सिलक्यारा टनल 17 दिन 400 घंटे 41 वर्कर्स, ये अपने आप में ऐसी संघर्ष की घटना है। एक ऐसा चैलेंज था, जो हिमालयस हैं ये, यंग माउंटेन्स हैं और चुनौतियां भी अलग तरह की देते हैं। ये 17 दिन 400 घंटों ने बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहले तो मुझे खुशी हुई जब मैं 41 वर्कर्स को मिला और उनके अंदर में एक प्रसन्नता, एक साहस, एक रेजिलियंस और एक अलग ही तरह का डिजास्टर रेजिलियंस जो हम सब में होना चाहिए वो था। इमेजिन आप 17 दिन इस स्थिति में रहे, लेकिन फिर भी एक साहस, एक प्रसन्नता। इस सिलक्यारा टनल ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहले कि पूरे राष्ट्र रूपी किस प्रकार ऐसी चैलेंजेस को डील करना चाहिए। अगर बहुत बारीकी से देखें तो वहाँ कितनी एजेंसियाँ इन्वॉल्व थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, बीआरओ, शासन प्रशासन और पीएमओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज किस प्रकार की लीडरशिप होनी चाहिए, किस प्रकार लीडरशिप की एक कंट्रोल, एक मॉनिटरिंग। और बहुत खुशी हुई कि पूरे विश्व से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और न जाने कहाँ कहाँ से इक्विपमेंट आई। देश में भी जहाँ जहाँ मशीन थी, प्लाज्मा कटर, किस्म किस्म के जो औजार इसमें इस्तेमाल होते हैं, सबको इकट्ठा कोऑर्डिनेशन करना। लॉजिस्टिक जो रोल एयरफोर्स ने प्ले किया लॉजिस्टिक्स को लाने का, जो इंडियन आर्मी में आर्मी के बीआरओ स्पेशलिस्ट और आखिर में जो रैट माइनर्स थे उन्होंने किस कला से कार्य किया। मैं एक बहुत भावुक सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये दिवाली वाले दिन चुनौती शुरू हुई और ठीक 28 नवंबर को देहरादून के अंदर में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की थी। देखिए एक तरफ तो वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू हुई और उसी पल में इसका सक्सेस और सफलता प्राप्त हुई। तो ऐसा लगता है कि जो सबक हमने सीखे और जो उसकी डेलिब्रेशंस हमने वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की, प्रभु ने एक हमको एक मार्ग दिखाया है, पूरी दुनिया के लिए मैसेज दिया है कि किस प्रकार की लीडरशिप होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से ही जो अपने मार्गदर्शन दिया, मॉनिटरिंग की, कंट्रोल किया, लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट दिया, ये सबके लिए जो अंदर थे और जो बाहर थे किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसके बारे में बहुत बड़े सबक सीखे। गुरमीत जी आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले जानकारी आपके पास कब आई, क्योंकि दिवाली का दिन था। मेरी बहुत सारे मज़दूरों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम लोग सुबह का काम करके सोच रहे थे कि हम लोग घर चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे थे जो भैया दूज पे जाना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो उसी दिन जाना चाहते थे, लेकिन तब तक तकरीबन 5, सवा 5 बजे के आसपास ये घटना हो गई। तो जैसे ही आप लोगों को सूचना मिली, क्योंकि फिर सब लोग त्यौहार के मूड में था और कम से कम लोग थे वहाँ पे, मतलब सब लोग कोई बाहर गया था, कोई परिवार के साथ था, तो बड़ा चैलेंज था। क्योंकि मैं जब इसको महसूस कर रहा था, जब मैं उस मज़दूर से बात कर रहा था तो उसने बताया कि पूरी की पूरी मिट्टी गिर गई और हम लोग पूरी तरीके से घिर गए। उसके बाद जो वहाँ पर एक सेफ्टी रूम बनाया गया था, हम लोग सारे के सारे लोग उस रूम में जाके छिप गए और उसके बाद कोशिश करने लगे कि कैसे कांटेक्ट हो। और जो पाइप था उस पाइप के ज़रिए हमने चिट्ठी भेजी और चिट्ठी के ज़रिए तकरीबन 36 घंटे के बाद कांटेक्ट उनसे हो पाया। ये 36 घंटे वो बिना खाना पीना बिना खाए थे। वो बता रहे थे कि हम लोग एकदम ये मान के चल चुके थे कि हमारी ज़िंदगी पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। बहुत नाजुक घड़ियाँ थी। एक तरफ दिवाली का उत्सव और दूसरी तरफ इस प्रकार की खबर आना अपने आप में एक चुनौती सी बन जाती है। लेकिन मैं तो दाद देता हूँ इन 41 के जी, जिन्होंने उस स्थिति को एक बहुत ही सुंदर तरीके से हैंडल किया। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी बहुत बारीकी से स्टडी करेंगे तो ये हम सबको, हर एक भारतीय की ह्यूमन रिसोर्स की एक जो रेजिलियंस ताकत है इसको जाहिर करता है। आपने तो देखा है कि पहले भी जब पूरे विश्व के अंदर में कोविड की महामारी हुई थी तो किस प्रकार पूरी दुनिया ने डील किया था और किस प्रकार हर एक भारतीय ने किया था। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारी सभ्यता, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी क्या है जब चैलेंजेस आते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शुरू में ऐसे चैलेंजेस के अंदर में पूरी डिटेल नहीं होती है, बहुत बारीक बारीक खबर आती है। लेकिन उन्होंने उन 41 ने उस समय जब कुछ भी क्लियर नहीं था और उस वक्त के अंदर में एक नेचुरल लीडरशिप को जन्म दिया। वहाँ जो गब्बर सिंह थे जी, सचमुच ही उन्होंने गब्बर सिंह वाला काम किया। उन्होंने नेतृत्व वहाँ पकड़ा। उनके साथ में एक अहमद जी थे जी, एक और विशाल जी थे। उन्होंने किस प्रकार पकड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक प्रदेश के नहीं थे, अलग अलग प्रदेश के थे। तो हर एक अलग अलग प्रदेश के होने के बावजूद हमारे अंदर में एक नेचुरल एकता, वननेस, जॉइंटनेस वो कैसे आई। मुझे तो ये पूरे सिलकियारा चैलेंज से ऐसा लगता है कि हमारे अंदर में ऐसी ताकत छुपी हुई है विच वी गॉट टू रियलाइज। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हम अपनी सभ्यता को, संस्कृति को और असली इतिहास को पहचान सकते हैं। हमारी कभी कभी ऐसा लगता है वी डोंट नो आवर सेल्फ वर्थ। हमको पता ही नहीं है कि प्रभु ने, वाहेगुरु ने, शिव जी ने हमको क्या ताकत दी है। ऐसी ताकत कि 17 दिन यू कैन विदस्टैंड। और इन्होंने बड़ा ही सुंदर तरीके से अपना पूरा हर एक चीज़ का किया। फिर जिस प्रकार से इस बात का पता लगा तो स्लोली स्लोली द थिंग स्टार्टेड बिल्डिंग अप। और उसके बाद में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएमओ के अधिकारी वहाँ। और सबसे बड़ी बात है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं तो यंग हैं, यशस्वी हैं, और उन्होंने ही वेंट स्ट्रेट टू द फ्रंट लाइन। लीडर कैसे पहचाना जाता है, मैंने तो पूरा जीवन अपना फौज में व्यतीत किया जी। व्हाट इज लीडर? लीडर का मतलब ही है जो एकदम फ्रंट में जाकर लीड करे। प्लीज जोरदार तालियां बजाइए। इसमें पुष्कर जी एकदम फ्रंट में गए, वहां लीड किया। आपने तो देखा किस प्रकार जनरल लगातार वहां डटे आए, किस प्रकार पीएमओ के अधिकारी वहां पर आए। और सबने, बड़ी बात क्या होती है जब एजेंसियां ज़्यादा होती हैं उनको किस प्रकार से कोऑर्डिनेट किया जाए। सबसे जरूरी होता है कि दे शुड नॉट बी माइनसिंग ईच अदर। इस स्थिति के अंदर में सबसे बड़ी बात ये थी कि 5-6 ऑप्शंस को इकट्ठा डील किया जा रहा था। वहाँ 6-7 एजेंसियां थी, दे वर ऑल देयर टू हाउ टू इंटीग्रेट ऑल दिस ऑप्शंस, हाउ टू इंटीग्रेट ऑल दिस एजेंसीज और उसको मॉनिटर किस प्रकार से किया जाए। हर रोज माननीय प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर में नज़र गड़ाए हुए थे। उस वक्त राष्ट्र के अंदर में बहुत कार्रवाई भी चल रही थी, प्रधानमंत्री जी बहुत बिजी थे, लेकिन उनकी पैनी नज़र यहाँ पर थी। और देखिए ये कोई छोटी बहुत मोटी बात नहीं है कि अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया के हर एक रिसोर्सेज को। और देखिए एक बड़ी मज़ेदार बात है, एक अर्नोल्ड जी हैं जो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के, वो वहाँ पर आए और किस प्रकार वहां पर आकर आस्था से मिल गए। वहां जो एक मंदिर बना वहां पूजा करने लगे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि हम किस प्रकार टेक्नोलॉजी को और आस्था को मिलाते हैं। आई थिंक दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज, बहुत शानदार। सर ये तो सिलक्यारा हो गया, लेकिन हम आते हैं कि आपका उत्तराखंड जाना, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग वो घटना है कि मैं चाहता हूं कि सब लोग इस बात को सुने। आप कैसे, आपको कैसे, आप तो सेना से निकल के अपना बाकी दूसरे काम कर रहे थे, आप चैनल्स में जाते थे, गवर्नर कैसे बन गए आप? कैसे कॉल आ गई और कैसे आपको गवर्नर बना दिया गया एकाएक? कभी कभी ऐसा लगता है जितने भी प्रश्न होते हैं, हु, व्हाट, हाउ, इन सब के सबसे ऊपर वाला जो सवाल होता है वाई, कैसे। जी, इसका आंसर तो प्रभु को ही मालूम होता है, हमको नहीं मालूम होता है। लेकिन एक बात पक्की है जी कि 40 साल, तकरीबन 40 साल भारतीय सेना की सेवा करने के पश्चात में मैं मीडिया में हिंदी चैनल के ऊपर में खास तौर पर आई वाज एंजॉयिंग इट। मुझे ऐसा लग रहा था कि हिंदी में जो वार्तालाप करने का मजा आता है, हिंदी से जब बात करते हैं ना, बिल्कुल आत्मा से निकलती है, ऐसा लगता है। तो आई वाज एंजॉयिंग मीडिया, हिंदी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बहुत मजे आ रहे थे। और एक और मैंने अपने आप को आदेश दिया था कि सेवा करना है अभी, और सेवा ऐसा करनी है कि बाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। मैंने पिछली बार अरविंद जी से एक और बात डिस्कस की थी। एक जीवन का बड़ा सुंदर सा एक वाक्य है। जब मैं कर्नल था तो मैं उत्तराखंड में ही, बनबसा टनकपुर है, वहाँ पर अपनी पलटन को कमांड कर रहा था, कर्नल था मैं उस वक्त में। तो एक दिन, मैं असम रेजिमेंट का हूँ, मेरे जो जवान हैं वो नॉर्थ ईस्ट के नागा, मीज़ो, एसमीज। तो मेरे सूबेदार मेजर साहब जो नागा हैं वो आए, उन्होंने कहा कि साहब गेट के ऊपर में एक पंडित जी हैं, उन्होंने पगड़ी डाली है, दाढ़ी भी है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो फौज में ये सिखाया गया है कि जितने भी रिलीजियस टीचर्स होते हैं, चाहे वो पादरी हो, ग्रंथी हो, सबकी इज्जत करते हैं। तो आई कॉल्ड हिम। तो जब पंडित जी आए मेरे पास में तो उन्होंने कहा, मैं कर्नल साहब आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आई सेड प्लीज़, कृपया बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक दिन आप लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे। मैं कर्नल था, बहुत खुश हुआ कि पंडित जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल बनूंगा। तो मैंने शाम को अपनी वाइफ को बताया कि ऐसे पंडित जी आए थे, उन्होंने इस प्रकार से बात की। तो सचमुच एक दिन मैं लेफ्टिनेंट जनरल बन गया। मैं श्रीनगर में कोर कमांडर था। श्रीनगर में कश्मीर के इलाके में 10-12 साल काउंटर टेररिज्म का कार्य किया है, तो उस वक्त भी याद किया। उसके बाद में दिल्ली में मैं जब डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना तो एक संडे को मेरे सिक्योरिटी वालों ने आके बोला कि एक पंडित जी आए हैं, वही पंडित जी हैं जिन्होंने आपको कर्नल के समय में लेफ्टिनेंट जनरल की बात कही थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, वो पंडित जी दोबारा भगवान के रूप में हाजिर हुए हैं। तो मैंने उनको बुलाया, अपनी वाइफ को भी बोला, वही पंडित जी हैं जिन्होंने मेरे को लेफ्टिनेंट जनरल के लिए बताया था। तो हमने उनका अवभगत किया, सेवा की। तो उन्होंने कहा, मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ। एक, 3 महीने में आपको एक बड़ा मेडल मिलेगा, और दूसरा, 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा कि एक दिन आप गवर्नर बनेंगे। क्या बात है। वो पंडित जी हरिद्वार के थे, बट आई डोंट हैव हिज मोबाइल नंबर। इसमें प्रभु का भी बहुत बड़ा हाथ है। और सच कहूँ कि जिस दिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ माननीय प्रधानमंत्री ने, कैसे हुआ जरा सा वो मैं चाहता हूँ कि आप जरा सा बताएं, क्योंकि वो घटना चाहता हूँ कि लोग सुने। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक दिन मेरे को फ़ोन आया और कहा कि Am I speaking to Lt. Gen Gurmeet Singh? I said yes. He said कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको PMO में बुलाया है 5:15 बजे। I said fine, I'll be there. तो मैंने एकदम कागज़ के ऊपर में एकमकार लिखा, उसको सर्कल लगाया। मुझे ऐसे लगा कि ये ब्रह्मांड का एक आदेश है, मेरे को नहीं मालूम था किस लिए बुलाया है। और अगले दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि स्टाफ वालों ने पूछा कि किस कार्य के लिए आए। आई सेड आई डोंट नो, मैं तो फौजी हूँ, जो भी कार्य मिलता है वो करते हैं, कभी नहीं पूछा है कि किस लिए बुलाया गया है। तो उसके जब माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए गया तो वहाँ उस वक्त में उनकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी थी, और मुझे तो ऐसा लगा जैसे एकदम दिव्य रूप में, और बहुत ही सुंदर लगा इस बात का। और बातचीत करते हुए मैंने उनको ये भी कहा कि मुझे प्रधानमंत्री जी आपको 2008 में मिलने का सौभाग्य मिला था जब मैं ब्रिगेडियर था। तो हम नेशनल डिफेंस कॉलेज से आपके पास में आए थे, उस वक्त आप मुख्यमंत्री थे और उस वक्त में आपकी ब्रीफिंग के बाद में हमारे ग्रुप ने आपको कहा था 2008 के अंदर में कि एक दिन आप राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ये जो बात की थी ये 2008 की थी और ये जो जिक्र है 2021 का है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा जनरल साहब मुझे याद है आपका एक डेलीगेशन आया था एनडीसी से और उसके अंदर में 3 फॉरेन ऑफिसर्स थे, इतनी डिटेल में उनको याद था। और सच कहूँ तो उस वक्त में जब पूरा ख़त्म हुआ इंट्रैक्शन जी और उसके बाद में मैं उसी चेयर में जाकर बैठा जहाँ पर मैं वेट कर रहा था अंदर जाने के लिए, क्योंकि 20 मिनट पहले मालूम नहीं था क्या होने वाला है। और जब मैं वापस उसी चेयर में आया तो मैंने आंख बंद की, हाथ जोड़े, प्रभु को वाहेगुरु को धन्यवाद किया और मैंने अपने आप से पूछा कि कैसे सिलेक्ट हुआ है तू, जैसे आप पूछ रहे हैं। तो कुछ एक जवाब अंदर से ही आए। पहला जवाब ये था प्रभु का कि जो बचपन से सीखा था कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, ये हुआ था। मामी मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा और आप उसको समझ नहीं पाए। मैं चाहता हूँ जरा सा वो आप बताइए, क्योंकि वो आप तो आपको ऐसा विश्वास हुआ नहीं और जाके आप कुर्सी पे बैठ गए। सच कहूँ तो वो क्षण मेरे लिए ऐसा था जैसे इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं, कोई भी जीवन की इंटरव्यू होती है तो इस इंटरव्यू में दोनों हाथ को ऐसे करके बैठते हैं ताकि आप अपने हाथ से अपने आप से भी बात करते रहें और कॉन्फिडेंस लेते रहें। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आपको उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगा, एक तो पगड़ी डाली हुई थी, एक थोड़ा कम सुन रहा था, तो मुझे लगा कि क्या कहा है। तो फिर ऐसा लगा कि ऐसा मैंने अपने आप को कहा कि थोड़ा धैर्य करिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आई डोंट शो दैट थिंग। तो बहुत ही ऐसा लगा जैसे एकदम ब्रह्मांड का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसे मिल रहा हो। और सच कहूँ तो जैसे मैंने कहा कि जब मैं कुर्सी में बैठा तो मैंने अपने आप को ये क्यों मेरे को बनाया गया है, तब मुझे ऐसा लगा कि ये गुरमीत आपको नहीं, ये पूरी भारतीय सेना को मान और सम्मान दिया। क्या बात है, प्लीज प्लीज वेलकम। शानदार। ये जो आपने शंख बजाया ना, ये ब्रह्मांड की आवाज है, इसका नाद है ये। क्या बात है, वाहेगुरु वाहेगुरु। और दूसरा ये था कि गुरमीत ये आपको नहीं, ये तमाम गुरु नानक नाम लेवा सिख समाज को सम्मान दिया है। और नेक्स्ट ये था कि मैंने अपने आप से पूछा कि जब भी आप अपने भगवान से बात करते हैं तो अपनी मदर टंग में बात करते हैं, तो मैंने भगवान से कहा वाहेगुरु हुण हुण मेरे वास्ते की हुक्म है गया, व्हाट इज द ऑर्डर्स फॉर मी नाउ। तो अंदर से ये आवाज़ आई अब सेवा करा। और मुझे ऐसा लगता है अभी मेरे लिए सेवा, कल्याण और कर्म का क्षण है। प्लीज बहुत जोरदार ताली बजाई हुई। देखिए ऐसा है, इतना साफ गोए, इतनी बढ़िया बात करने वाला मैंने तो देखिए दूसरा व्यक्ति अभी फिलहाल नहीं देखा। कितने प्यार से इन्होंने अपने मन की वो सारी बातें बता दी जो लोग जल्दी नहीं बताते हैं। मामीम मैं एक तो ये आप वहाँ आप अपॉइंट हो गए, उसके बाद से आपने जो आपके मन में सेवा का जो भाव है ख़ास तौर पे सेना को लेके, उत्तराखंड के लोगों को लेके, तो क्या क्या नया ऐसा कर पाए जिससे आपको लगता है कि नहीं हमने जो है ये काम जो है, जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री महोदय ने दी थी उसमें हम कुछ हद तक जो है आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सबसे पहले अपना एक फ़ौजी हूँ तो हम सब सदा ही लक्ष्य के ऊपर में काम करते हैं, यानी कि बुल्सआई में गोली लगनी चाहिए, एक गोली एक दुश्मन, यही एक जीवन का ध्याय रखा है। इसलिए मैंने अपना एक मिशन बनाया और मिशन बनाते हुए अपने आप को बोला कि 5 से ज़्यादा बातें नहीं होनी चाहिए ताकि एक ही हाथ में आ जाए मिशन। तो मैंने जो मिशन बनाया उसमें 5 चीज़ें थी। पहला कि रिवर्स माइग्रेशन किस प्रकार से जो भी उत्तराखंड से बाहर में जॉब एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी के लिए गए हैं उन सबको वापस उत्तराखंड में किस प्रकार लाया जाए, ये सबसे पहला मिशन। दूसरा ये है कि प्रभु ने, शिव जी ने, वाहेगुरु ने उत्तराखंड को इतने वरदान दिए हैं, वो हम नहीं, एट टाइम्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड टू अस। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ नेचुरल और ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उससे बहुत सुंदर अर्थव्यवस्था बन सकती है। और तीसरी बात, तीसरा मिशन था वुमेन एम्पावरमेंट, हमारी बेटियां और सेल्फ हेल्प ग्रुप। मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड की महिला है ना, वो पूरी दुनिया में सबसे अलग हैं। उनकी क्षमता, कैपेबिलिटी, काम करने का जो ढंग है, डेडिकेशन, कमिटमेंट बिल्कुल अलग है। एज ए चांसलर जब मैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तराखंड के अंदर में, जब मैं जाता हूं तो देखता हूं कि 60 to 70% जो यूनिवर्सिटी के अवार्ड्स हैं, डिग्रियां हैं, पीएचडी हैं, वो मेरी बेटियों के पास में जाती है। क्या बात है। दैट मीन्स, वाह, बहुत ही बढ़िया। जैसे एक लेक होती है ना, उसके नीचे में क्या करंट चल रहे हैं, उसी प्रकार 60 to 70% जो एक्सीलेंस है एजुकेशन में, दैट बिलोंग्स टू हमारी बेटियां। अगला है टेक्नोलॉजी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ जी के प्रांगण से जो कहा, मैं उस वक्त उनके साथ में था, उन्होंने कहा कि 21st century का तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड। वाह, क्या बात। ये बहुत, और मैं जब उनको सुन रहा था उस क्षण के अंदर में ऐसा लगा कि ये ब्रह्मांड की आवाज़ है, ये प्रभु का आदेश है। ये मुझे ऐसा लगता है इसको अचीव करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम टेक्नोलॉजी का सहारा लें, ट्रांसफॉर्मेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मोबिलिटी है, हर एक रूप में मोबिलिटी, चाहे वो मोबाइल की मोबिलिटी, रोड, रेलवेज, एविएशन की मोबिलिटी। और 5वां जो मिशन है वो ये है कि वो क्या गेम चेंजर हो, वो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, वो क्या टर्निंग पॉइंट हो जिससे एकदम बिल्कुल क्रांति की तरह अर्थव्यवस्था में, वहाँ खुशहाली, समृद्धि के अंदर में एक बदलाव आए। ये 5 मिशन के ऊपर में मैंने day 1 से, पहले ही क्षण से कार्य करना शुरू किया है और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि उसके बाद में G20 की 3 मीटिंग्स हुई और 3 मीटिंग्स ने हमको जो ग्लोबल पूरा स्पेस के साथ में मिलाया, जिस प्रकार जितने भी अतिथि आए थे उन्होंने हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की प्रशंसा की। और सबसे बड़ी बात क्या थी G20 की 3 मीटिंग्स के अंदर में, हर एक उत्तराखंडी ने उसके अंदर में हिस्सा लिया और उसके बाद में जो अपना ही एक सोच विचार, आत्मविश्वास है वो जागा। आई थिंक दैट्स वेयर द चेंज स्टार्टेड। गवर्नर सर, आप प्लीज। जी, उत्तराखंड के जो बॉर्डर्स हैं, अगर हम देखें तो चाइना के जो है करीब हैं और मैं समझता हूं कि चूँकि आप सेना के बैकग्राउंड से हैं और इस नाते भी आपको जो है उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि चाइना हमारा कितना बड़ा अपोनेंट है। तो उसको लेके मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ध्यान आपने रखा या आपके जाने के बाद आपने क्या क्या चीज़ें नई शुरू की जिसकी वजह से जो उनकी गतिविधियाँ हैं वो कम से कम हों। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है जी कि चाइना इज़ द लॉन्ग टर्म प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। अभी जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो बॉर्डर एरिया के अंदर में। जी, मैं आपसे एक चीज़, बड़ी टचिंग बात साझा करना चाहता हूँ। जी, एक्चुअली पूरे जीवन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ कि आपका सोच, विचार और धारणा क्या है, व्हाट इज द थॉट, आइडिया एंड परसेप्शंस। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बद्रीनाथ जी में गए थे, वहाँ से माना में गए, तो उन्होंने माना को, हम लोग तो सदा ही माना को लास्ट विलेज बोलते रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरी दृष्टि, पूरा परसेप्शन, पूरा सोच विचार ही बदल दिया। उन्होंने माना को प्रथम विलेज कहा, प्रथम गांव कहा, आखिरी की बजाय उन्होंने पहला कह दिया। एब्सोल्युटली। और उसके बाद में जो वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट चलाया है उसके अंदर में हमारे पूरे जो 5 स्टेट्स हैं हिमालयस के उस पर 2571 विलेजेस को वाइब्रेंट विलेज की सूची में किया गया। उत्तराखंड में 57 विलेज को वाइब्रेंट विलेजेस में गिना गया, उसमें से 17 को प्रथम फेज़ 1 में। और मुझे इस बात का गर्व है, एज ए सैनिक आई लव टू गो टू द फॉरवर्ड एरिया। आई हैव बीन टू 21 विलेजेस और फॉरवर्ड पोस्ट उस इलाका के अंदर पे। क्या बात है, प्लीज, ये बहुत बड़ी बात है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितना भी सरहद के ऊपर पे गांव हैं, जब वो वाइब्रेंट विलेज होंगे, जब वहाँ पर एक अलग ही व्यवस्था होगी, तो उसके बाद में वो अपने आप में एक स्ट्रांग क्रस्ट की तरह बन के आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, अभी सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है, जब मैं लबासना में मसूरी में जाता हूं जहां आईएएस की ट्रेनिंग होती है जी। और जब मैं जमीन पर गया हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, तो मैंने देखा कि अभी एक सोच विचार बदला है कि किस प्रकार हम डिस्ट्रिक्ट को एक हब की तरह माने, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट शुड बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो हमारा सुशासन का सोच विचार है वो बनना चाहिए। और पिछले साल आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि हम जब पूरा 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट जाने के बाद में जब सुशासन दिवस था उस दिन 5 डीएम्स को पुरस्कार दिया, ताकि एक कंपटीशन होना चाहिए कि किस प्रकार वो अपने डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा फोकस डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ होगा, जब हमारा फोकस वाइब्रेंट विलेजेस की तरफ होगा, तो हमारा जो सरहद है उसके ऊपर में विल बी स्ट्रांग। और सबसे बड़ा बदलाव आया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुआ है। हमारे बिल्कुल जो सीमांत गाँव हैं, एक गाँव है गुंजी गाँव, और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, गुंजी गांव के दाहिनी तरफ में ओम पर्वत है और बाईं तरफ में आदि कैलाश है। और जब ये वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो वहाँ मोबाइल टावर भी लग गया है, वहाँ पर ब्लैक टॉप सड़क भी पहुँच गई है, और वहाँ के जो गांव वाले लोग हैं दे आर सो एंटरप्राइजिंग कि उन्होंने होम स्टे भी बना लिया है कि आप आइए टूरिज्म के लिए। उन्होंने वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ भी खरीद ली हैं सॉफ्ट लोन्स के साथ में, और एकदम बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ये जो कॉन्सेप्ट वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और एक चीज़ मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे फॉरवर्ड इलाके हैं उसमें सबसे बड़ा जो मुझे बदलाव दिखाई दिया है दैट इज़ कि किस प्रकार लोगों ने अपने अकाउंट्स खोले हैं। जो माइक्रो फाइनेंस स्कीम है वो वहाँ पहुँची है, और किस प्रकार उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को शुरू किया है। मैं जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाता हूँ तो आई गेट सो इम्प्रेस्ड विद द वुमन लेड इनिशिएटिव। एक साझा करना चाहता हूँ, आई वेंट टू पौड़ी, वहाँ पर एक हमारी जो महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की इंचार्ज थी, उन्होंने मेरे को कहा कि राज्यपाल जी मैं नमक बनाती हूँ, मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप 9 किस्म का नमक बनाती हूँ, और मेरा नमक लंदन में भी बिकता है। वाह क्या बात है, ये सोच विचार है। और मैंने खुद इस 2 साल में एक परिवर्तन देखा है। परिवर्तन इस प्रकार है, मैं नैनीताल गया उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में, तो मैंने एक महिला से पूछा, गांव की महिला थी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की इंचार्ज थी, मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी महिलाओं को कितना पैसा देती हैं एक महीने का, तो उन्होंने कहा 5000, 8000, 9000, और खुद वो कोई 15, 20, 25 कमाती थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, आपकी हर एक महिला को कम से कम 25,000 मिलना चाहिए, 30,000 मिलना चाहिए, 40,000, और आप खुद जब इमोशंस होती है ना तो प्यास लगती है। तो 1 साल के बाद में जब नैनीताल गया, द सेम सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिला हैं उन्होंने मेरे को कहा, इससे पहले कि मैं उनको कोई सवाल पूछता, उन्होंने कहा राज्यपाल जी पिछली बार आपने मेरे को सवाल किया था, एक चैलेंज दिया था, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछली बार मैंने कहा था कि मेरे जो महिला मेरे मेंबर्स हैं उनको 5, 8, 10 देती हूँ, इस अभी मैंने रेज कर दिया है 15, 20, 25 देती हूँ, और खुद वो 75,000 कमाने लगी थी। भाई देखिए कोई ये बदलाव है ऑन ग्राउंड। मुझे लगता है कि सर ये तो कुछ उदाहरण है। मैं समझता हूँ कि आपने माना से शुरू किया और नैनीताल तक आ गए आप, और ये एक ऐसी घटना है जो अपने आप में ऐतिहासिक है, लोगों की ज़िंदगी बदलने की घटना है। लेकिन सर आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो काम करने का तरीका है, इस समय अभी हम लोग अभी प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है उत्तराखंड को जो है डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन का जो है अब आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ये हब होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेडिंग्स होंगी। ये बहुत सुंदर बात की आपने। एक्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जादू है ना, वो इसी प्रकार है, एक साधारण सी बात करते हैं और उसका असर इतना बड़ा होता है। वो पिछली बार जब माना में आए थे तो उन्होंने हर एक भारतीय को कहा कि आप जब टूरिज़्म के लिए, आप जब चार धाम की यात्रा के लिए आते हैं उत्तराखंड में, तो अपना 5% जो भी खर्चा है वो लोकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कीजिए। वो 5% आपको मालूम है कि हर साल 5 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। क्या बात है। और 5 करोड़ जब 5% अपने खर्चे का लोकल प्रोडक्ट्स में कहेंगे तो क्या होगा। अभी जब इन्वेस्टर समिट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने एक तो ये जो वर्ड डेस्टिनेशन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को एक आदत सी है, मैं हर एक इंग्लिश वर्ड को बहुत पंजाबी इनोसेंस से मासूमियत से देखता हूँ। ये जो डेस्टिनेशन है इसमें आई वर्ड है, DEST, उसके बाद में आई, और आई के बाद नेशन है। तो ऐसा लगता है ये डेस्टिनेशन हमारे नेशन का, ये प्रभु ने हमको दिया है। क्या बात है। उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि अपना जो डेस्टिनेशन आप वेडिंग का, शादी का बनाते हैं तो वो भारत होना चाहिए, वो उत्तराखंड होना चाहिए। और देखिए ये जो उत्तराखंड है ना, इसके अंदर में आपको डिवाइन वाइब्रेशंस मिलेंगी। यूल बी एबल टू फील, आपके आत्मा के स्तर के ऊपर में यूल बी एबल टू फील दैट वाइब्रेशंस ऑफ डिविनिटी। और उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसी पवित्र जगह में अपने शादी का डेस्टिनेशन बनाएंगे तो उसमें शिव जी भी, प्रभु भी, वाहेगुरु भी शामिल होंगे। मैं आपके साथ एक बड़ी टचिंग सी बात शेयर करना चाहता हूँ जी। मैं आदि कैलाश गया और उस वक्त भी जब मैं वहाँ पहुँचा आदि कैलाश में, तो उस वक्त में मौसम, थोड़ी बर्फ़ थी, थोड़ी स्नो गिर रही थी, मामूली सी, थोड़े बादल थे, सूरज भी बीच बीच में दिखाई दे रहा था। तो वहाँ पे एक बड़ा सा त्रिशूल है। तो जो मेरे साथ थे मैंने उनको कहा कि जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई वांट टू डू माय प्रेयर। मैं शिव जी की स्तुति करना चाहता हूँ, अर्चना वंदना करना चाहता हूँ। तो मैंने आँख बंद करके और शिव जी की पूजा की अपनी तरफ से। और जैसे मैंने 5 मिनट बाद आँख खोली, यूल बी सरप्राइज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस त्रिशूल के ऊपर में एक बर्ड आके बैठ गया। हाइल्टीट्यूड एरिया है, बर्फ पड़ रही है और कोई बर्ड आसपास में नहीं, लेकिन वो त्रिशूल के ऊपर में एक बर्ड आके बैठ गया। मुझे लगा कि मेरी तो प्रेयर सक्सेसफुल हो गई है। तो जैसे वो बर्ड वहाँ पर त्रिशूल के ऊपर में बैठा, तो जो मेरे साथ थे मैंने आस्ते से उनको बोला जल्दी से फोटोग्राफ लीजिए। तो उन्होंने जल्दी से फोटोग्राफ ली और जैसे ही फोटोग्राफ ली वैसे ही वो बर्ड उड़ के चला गया। तो ऐसा लगा जैसे आए, वो बर्ड आए, पता नहीं क्या आत्मा थी, बर्ड आए, आशीर्वाद दिया, फोटो खिंचाई और चले गए। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि आज तो मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा अपने साथियों को, कहा गिव मी अनदर 10 मिनट्स, आई वांट टू डू प्रेयर अगेन बिकॉज टुडे माय प्रेयर्स आर सक्सेसफुल। तो मैंने फिर 10 मिनट ऐसे पूजा की। तो मैंने भगवान को, प्रभु को, शिव जी को ग्रैटिट्यूड और थैंक यू वगैरह बोला। तो उसके बाद जब आँख खोली तो बर्फ़ पड़ना बंद हो गया, सूरज बिल्कुल चमकने लग गया, बादल भी छट गए। तो उस वक्त में यू विल नॉट बिलीव जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उस वक्त में होता क्या है कि पहाड़ के ऊपर में जब बर्फ़ पिघलती है तो पत्थरों से लाइनें सी बन जाती हैं अपने आप से। तो एक लाइन ऐसी बनी हुई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु नानक देव जी ऐसे एक शॉल लेकर बैठे हुए हैं और इस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो मेरे को लगा शायद मेरे को ही भ्रम हो गया है, आई मीन ए हेलुसिनेशन और समथिंग लाइक दैट। तो आई आस्ट, मेरे साथ में एक कर्नल साहब थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल भावना थी। तो मैंने उनको कहा जो मुझको दिख रहा है क्या आपको भी दिख रहा है? सो दिस कर्नल टेल्स मी, सर आई एम इन चार्ज फॉर द रोड्स हियर, मैं बीआरओ का हूँ, 8 बार आया हूँ, लेकिन ऐसा वाला समय मैंने पहले नहीं देखा. अगर आप भी यू वॉन्ट टू एंजॉय द डिग्निटी, यू वॉन्ट टू एंजॉय शिवजी का आशीर्वाद, यू वॉन्ट टू एंजॉय हिमालयस, you want to enjoy Divita, Bhavita, you want to enjoy Haridwar and Rishikesh, तो आप प्लीज उत्तराखंड आइए. आई कैन एक बार जोरदार ताली बजाइए. और मैं महामहिम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना कीमती समय निकाला. लेकिन महामहिम, सब लोग उस पंडित जी के बारे में जरूर जानना चाहते हैं जो आपको बता के गए. उनका पता किसी को पता नहीं है. इस बार जब आपके पास आए ना तो प्लीज़ उनका पता लेके रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी ये स्टोरी सुनने के बाद जो है उस पंडित जी के बारे में मुझसे पूछेंगे अवश्य. और मैं समझता हूँ कि आपने महामहिम इतना अपना कीमती समय निकाला. हम लोग फिर दोबारा जल्दी मिलेंगे और आपसे ढेर सारे बातें करेंगे, क्योंकि बातें हम लोग आपकी सुनते जाते हैं, समय ख़त्म हो जाता है. मैं इस क्षण का उपयोग करके मैं आप सबको उत्तराखंड की तरफ से शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं और आने वाले शुभ वर्ष के लिए बहुत बहुत ग्रीटिंग्स टू एवरीबॉडी. और उत्तराखंड से आपको बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं. थैंक यू सर, थैंक यू सर. सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए. और एक बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग अपनी अपनी सीट वहाँ पर जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर ही खड़े हो जाइए. एक बार मैं अपनी टीम से कहूँगी राष्ट्रगान प्ले करने के लिए. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.